तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी का 13वां लेक्चर हम पढ़ेंगे और इस 13वें लेक्चर में हम जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बताई जा रही है आपको, ये क्वेश्चन सीरीज जो है चैप्टर वाइज अरेंज की हुई है और हर चैप्टर में सेल वाइज अरेंज की हुई है ताकि आपको पूरा चैप्टर समझने में आसानी हो। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम जो वनडे एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो सीरीज पूरी देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। अगर आप एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बेहतरीन मौका लाया है। आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उसका एनालिसिस भी आपको उसी दिन मिल जाएगा। देखिए, 19 नवंबर को और 24 नवंबर को ये मॉक टेस्ट होने वाले हैं। 19 नवंबर के दिन सुबह 10 बजे एसएससी सीपीओ का मॉक टेस्ट होगा और इसका जो एनालिसिस है वो शाम को 4 बजे आपको मिल जाएगा। और वहीं 24 नवंबर को एसएससी दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट होने वाला है, सुबह 10 बजे होगा, कंडक्ट करवाया जाएगा और इसका एनालिसिस भी आपको उसी दिन शाम को 4 बजे मिल जाएगा। ये ज़रूर मॉक टेस्ट दीजिए, ये आपकी जो तैयारी को एक बूस्ट कर देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी, आप वहीं जाके इनरोल कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर अगर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुलेगा, इसमें सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, दो फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं। पहला होगा आपका एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम के लिए 19 नवंबर को सुबह 10 बजे और दूसरा जो आपका होने वाला है वो 24 नवंबर को होगा, एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए होगा। इनका एनालिसिस भी उसी दिन शाम को 4 बजे आपको मिल जाएगा। जो एनालिसिस मिलेगा आपको वो प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा दिया जाएगा, तो ज़रूर इसे अटेम्प्ट कीजिएगा आपकी तैयारी जो है ताकि बेहतरीन हो पाए। इसका जो सिलेबस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो दो टेस्ट आपके होने वाले हैं उनका जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे, जनरल अवेयरनेस से आएंगे और रीजनिंग एबिलिटी से आएंगे। तो ये आपका जो है ओवरऑल टेस्ट होने वाला है एसएससी सीपीओ का। वहीं दिल्ली पुलिस के लिए जो मॉक टेस्ट है उसमें आपसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हो वहाँ से आप इनरोल कर लीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो 14, 15, 16, 19 चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर है आपका 19, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो मौलिक अधिकार हैं 14 से लेकर 18 तक ये एक वर्ग में आते हैं जो कि समता या समानता का अधिकार है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक आएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप कौन सा भिन्न है, तो आर्टिकल 19 भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्र है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूज़पेपर, ये किस आर्टिकल में? ये ठीक है, ये 19A में। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 19A। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार आपको बताया आर्टिकल 19 से 22 तक है। ठीक है, और आर्टिकल 19 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, A, B, C, D, E और F। जो पहला है 19A है, उसमें जो है बोलने की स्वतंत्रता, इसी में आया जाता है आपका प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 19A। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किसमें? 19A में या 19A में, देख लीजिए आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार के स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? तो 6 प्रकार की दोस्तों, बताया ना आपको 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो आपका आंसर क्या है? 6। पहला तो 19A है, उसमें है बोलने की स्वतंत्रता। फिर 19B है, शांति पूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। वैसी तरीके से 19C, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है आपको। 19D, देश के किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। 19E, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं आप और वहां पे बस सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है, बस एक अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर है। उसके बाद 19F, आखिरी वाला, कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं अपनी अपनी जीविका चलाने के लिए, आप उसके लिए पूरी स्वतंत्रता है। तो ये 6 स्वतंत्रता है 19 में, आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ऑलरेडी बताया आपको 19 से लेकर 22 तक, ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। 19 में आपको बता दिया,
छह तरीके के आपको स्वतंत्रता दी गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो याद रखिए, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है और किसी को नहीं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। केवल भारत के नागरिकों को जो छह प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है ना, वो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑलरेडी आ गया, इस तरीके क्वेश्चन आया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा इसमें, इस ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? इस ऑप्शन में से आप कौन सा चुनना है, तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। सभा कर सकते हैं मगर हथियार सहित नहीं कर सकते, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं कर सकते, ये स्वतंत्रता नहीं है। आपको विदेश में घूमने की स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, देश के अंदर के घूमने के लिए स्वतंत्र है आप, उसके लिए प्रावधान किया गया। विदेश वाले तो विदेशी देखेंगे ना, उनके हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो आपको इस तरीके ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, तो भाषण स्वतंत्रता में, भाषण देने की स्वतंत्रता है आपको 19 ए में, तो उसी में ये प्रेस की भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? आपका ये चारों ऑप्शन में से बताना कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए। धर्म का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, बोलने का अधिकार, चारों में से बताइए कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल पर जाने का ये अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सब आपके मौलिक अधिकार हैं। बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, धर्म का अधिकार, ये सब आपके मौलिक अधिकार हैं, जबकि सी वाला ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन है आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो ऑप्शन पहला और तीसरा ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में पदत स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इन चारों ऑप्शन से बताना आपको कौन सा सत्य नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, नहीं नहीं पूरी स्वतंत्रता आपको, तो ये वाला गलत है। बाकी सही है, सत्संग बनाने की स्वतंत्रता है, भाषण में भ्रमण की स्वतंत्रता है, आपको भाषण और अभिव्यक्ति की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका जो है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है, आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24 में, ये है कि 14 वर्ष की आयु से कम अगर कोई बच्चा है या उतनी आयु का है, तो किसी भी बच्चे को कारखाने में या किसी भी खान में या अन्य किसी जोखिम भरे काम के लिए नियुक्ति नहीं की जा सकती, ये कानून अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालकों को किसी खान या अन्य संकट में सेवा में लगाने जाने का प्रतिबंध किया गया? बता दिया आपको 14 वर्ष की कम आयु के हैं तब, और ये आर्टिकल 24 में इसका प्रावधान किया गया है, जो कि आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है, उसी में आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी उम्र कम से कम, इस ऑप्शन में से आप तुरंत आंसर बता देंगे, कम से कम उम्र कितनी ना हो जाए 14 वर्ष। उसका देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा, कितने घंटों के अंतर्गत? तो आंसर है 24 घंटों के अंतर्गत, और इसका प्रावधान आर्टिकल 22 में किया गया है, ठीक है। आपको मालूम है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, उसी के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं, इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो बताइए आप इसका आंसर तुरंत बता देंगे, आपको मालूम है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर बताना है, आपको इसमें से ये आंसर बताना और आर्टिकल नंबर भी बताना, आर्टिकल भी साथ में बताना कौन से आर्टिकल बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा? ये किस आर्टिकल के माध्यम से इसमें प्रावधान किया गया है? तो याद रखिए आंसर क्या है, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। इसमें आपको तीन तरीके की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है इसमें, जैसे पहला ये है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, दोबारा सजा नहीं मिलेगी उसी अपराध के लिए, और दूसरा ये है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले वाला कानून, जो पहले वाला कानून था या उस बाद में कानून लग रहा है वो नहीं, जिस समय अपराध हुआ है उस समय क्या प्रावधान था सजा का, वही सजा उसी हिसाब से मिलेगी। और तीसरा ये है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध ही न्यायालय में गवाही देने का जो है उससे मजबूर नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं कि उसे मजबूर करके, टॉर्चर करके खुद के विरुद्ध ही जो है गवाही देने के लिए मजबूर कर दिया जाए कि हाँ हाँ मैं दोषी हूँ,
वो खुद ही बोले, ऐसा मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये तीन तरीके स्वतंत्रता है आर्टिकल 20 के अंतर्गत। और आपको मालूम होना चाहिए ये आर्टिकल 20 जो है किसके अंदर आता है, ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल है ना, उसी में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है, इसका आंसर आपको बताना है। देख लेते हैं, गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, ये भी अधिकार है आर्टिकल 22 में है ये सब कुछ प्रावधान। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने हैं बचाव करने का अधिकार, ये भी है अधिकार उस मुजरिम को। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी का अधिकार है ये, ठीक है। यहाँ देखिए सामान्य व्यक्ति लिखा हुआ, सामान्य व्यक्ति देखिए यहाँ पे आपके पास तीन तरह के व्यक्ति हो सकते हैं, पहला तो भारत का नागरिक हो, और दूसरा विदेशी हो, और तीसरा वो भी विदेशी हो, मतलब जो दूसरा है ये विदेशी है ऐसा कि जो हमारे मित्र देश है उन देशों का है ये, और जबकि तीसरा जो हमारे दुश्मन देश है वहां का नागरिक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये विदेशी मित्र है दूसरा वाला, विदेशी शत्रु है ये। तो विदेशी शत्रु के लिए ये प्रावधान नहीं है, उसको ये छूट नहीं दी गई है, ये केवल किसको छूट दी गई है, सामान्य व्यक्ति मतलब जैसे नागरिक है भारत का नागरिक हो, और जो मित्र देश है हमारे उनका रहने वाला हो, विदेशी वैसा विदेशी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो बताइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बताइए जल्दी से, ऑलरेडी बताया जा चुका है अगर याद हो आपको तो। इस ऑप्शन में देखिए थोड़ा सा गलत है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन जो है हो जाएगा 25 से 28 तक, जबकि जो 29 से लेकर 30 तक है ये तो आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, ठीक है। 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25 का संबंध है, अभी बता दिया 25 से 28 तक कहाँ किससे संबंधित है, स्वतंत्रता किसकी स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, तो आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारणा करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो आंसर है आर्टिकल 25 दोस्तों, आज आर्टिकल 25 के तहत, क्योंकि आपको मालूम है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उपबंध है इसमें, और आर्टिकल 25 की बात की जाए आपकी तो आर्टिकल 25 में ये लिखा है कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, तो उसी के अंतर्गत आएगा आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये वाला प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है, तो याद रखिए आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें दिए गए हैं। अगर आर्टिकल 29 की अगर बात करते हैं आप, तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों की जो है संस्कृति के बारे में है, जबकि आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थाओं के बारे में है, मतलब आर्टिकल 29 क्या कहता है आपका, आर्टिकल 29 ये कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा जाति धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, आर्टिकल 29 ये कहता है। और आर्टिकल 30 की बात की जाए, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था वो चला सकता है, और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं करेगी, ऐसा नहीं कि ये वर्ग है तो इतना, ये वर्ग इतना, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, आपको मालूम हो गया होगा इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, तो इसमें से आपको आंसर बताना है, तो आर्टिकल 25 आंसर हो जाएगा, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 तक है, इस ऑप्शन के साथ आंसर क्या है, आर्टिकल 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपको आर्टिकल 32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है, तो याद रखिए
आर्टिकल जो 32 में जो प्रावधान किया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी ऑप्शन, इसी को। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो आखिरी वीडियो होगा मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकारों के बारे में अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और स्क्रीन पे जो चार वीडियो आपके आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।